चलिए सर। चलिए, आज हम और लोग का जो बस हाँ आज आप लोगों का जो टॉपिक है वो केटीजी के बारे में बात करेंगे। मैं इसको चेंज कर देता हूँ, केटीजी, और तारीख है 9 और महीना है 1, साल है 23। ठीक है, चलिए। आप लोगों को मैंने कल की क्लास में जो है यानी कि क्या करा था, क्वेश्चन जो है यानी कि मैंने बताया था क्वेश्चन कैसे करना है, इन सब कुछ क्वेश्चन जो हमने बात किया था। मैं छोटी सी बात है, इससे पहले केटीजी से पहले सर सर इन अच्छा स्क्रीन शेयर। ओके सॉरी ओके, मैंने स्क्रीन ही शेयर नहीं किया ना, कैसे मैं यस टीचर सर, हूँ कि भूल जाता हूँ। यस सर, हो जाती है सर कभी कभी मिस्टेक। एक्चुअली मेरे को पता नहीं ना, मैं इधर देख रहा था स्क्रीन। चलिए अब मेरे ख्याल से शुरू हो गया होगा, ठीक है। हाँ यस सर। चलिए कोई बात नहीं। अब यानी कि आपके पास क्या है कि मान लो कि केटीजी से पहले ना मैं डाल्टन पार्शियल प्रेशर थ्योरी पढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है। अब डाल्टन पार्शियल प्रेशर थ्योरी क्या होता है कि आप लोग ध्यान से सुनना, यहाँ पे मैं जो है बताता हूँ, बड़ी छोटी सी बात है लेकिन आपके एनसीईआरटी में दी हुई है, आप लोग चाहो तो एनसीईआरटी देख सकते हो, डाल्टन पार्शियल प्रेशर थ्योरी, पार्शियल प्रेशर थ्योरी। ठीक है, यानी कि क्या हो जाता है डाल्टन पार्शियल प्रेशर थ्योरी, ये कहता क्या है, बहुत ही सिंपल सी थ्योरी है, बहुत ही सिंपल बात कहता है, इसमें कोई तामझाम भी नहीं है। ये कहता है कि मान लो कि आपके पास कोई कंटेनर है, वैसे तो कंटेनर नहीं, हम जो है यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है, किसी का ग्रीन हाउस इफेक्ट था मेरे से, जब आप पहले जो है कल, अगर आप 5 मिनट 6 मिनट पहले जुड़ जाना और पूछ लेना जिनका भी क्वेश्चन हो। एक्चुअली अब मैंने क्लास स्टार्ट कर दिया, मुझे बता देना चाहिए था लेकिन मैं बात में डाइवर्ट हो गया, जिस कारण से हमारे जो अर्थ का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। ठीक है चलिए, यानी कि मेरे पास ये डाल्टन प्रेशर कहता है कि ये कोई भी एक कंटेनर है, और जैसे ही ये कंटेनर है तो यानी कि क्या हो जाएगा, इस प्रकार से जो है यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं। अब देखो मैंने मान लिया कि समझाने के लिए मैं 2 गैस मान लेता हूँ, वैसे तो आपकी इच्छा है तो आप 1000 गैस मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने गैस मान लिया, गैस वन जिसको मैं नाम दे देता हूँ ए, और गैस बी को दूसरे को मैंने क्या नाम दे दिया, गैस बी नाम दे दिया। ठीक है, अब ये कहता है डाल्टन्स कि द सम टोटल प्रेशर इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर, यानी कि जो अगर मैं लिखूं टोटल प्रेशर यानी कि पीटी, टोटल प्रेशर हो गया यानी कि ए एंड बी के द्वारा जो लगेगा वो क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। इसका मतलब क्या होता है कि डाल्टन्स ने बहुत ही सिंपल सी बात कही, कोई तामझाम नहीं, कोई चीजें नहीं, इन्होंने सिंपल कहा कि देखो भाई अगर आपको पता है मैंने पिछली क्लास में बताया था कि अगर ये पार्टिकल यानी कि प्रेशर एक्सर्ट करेगा, क्योंकि ये प्रेशर क्या करेगा यानी कि यहाँ टकराएगा, तो इसके कारण से यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर एक्सर्ट होगा। आपको पता है प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, यानी कि पार्टिकल जा रहा है कुछ मोमेंट से और यहाँ पे वॉल से टकराएगा, कुछ एरिया होगा, और जब टकराएगा तो यानी कि प्रेशर एक्सर्ट करेगा। तो कहते हैं टोटल जो प्रेशर होगा ना वो पी ए प्लस पी बी के बारे में कहेगा, यानी कि टोटल प्रेशर इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल गैस प्रेजेंट इन द कंटेनर, या जहां पे भी आप लोग बात कर रहे हो एटमोसफेयर में कर रहे हो तो एटमोसफेयर, तो इस प्रकार से होगा। मैं फटाफट से डिराइव कर देता हूँ ये आता कैसे है। आप लोगों को एक फॉर्मूला याद है, पी बी इक्वल टू, एनआरटी इस फॉर्मूले को किस नाम से जाना जाता है, गैस इक्वेशन, हाँ यानी कि आइडियल गैस इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। वेरी गुड वन, थैंक यू। अब यानी कि मैं यहाँ पे टोटल प्रेशर निकालता हूँ, तो यानी कि पीटी लिख देता हूँ, टोटल प्रेशर पीटी वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी कि मोल ऑफ ए, यानी किसका मोल लिखोगे तो यानी कि मोल है तो ये क्या हो जाएगा, एन ए प्लस प्लस एन बी इंटू क्या हो जाएगा यानी कि आर टी। ठीक है, ये आरती नहीं है, आर टी है, ठीक है, कई लोग जो है आरती आरती कहेंगे, आरती पूजा वाली नहीं है ये, यह है यानी कि आर टी। ठीक है, अब यानी कि क्या हो जाएगा, पी टी वी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी इंटू आर टी। अब यहां से आपके पास ये इक्वेशन को मैंने क्या मान लिया, यानी कि वन मान लिया। ठीक है, दूसरा अब यहां से मैं चाहता हूं कि इंडिविजुअल का भी निकालूं, यानी दोनों का सम होना चाहिए, तो यानी कि क्या हो जाएगा, प्रेशर मैं अगर ए का निकालूंगा तो मैं यहाँ ए लिख दूं, यानी कि ए इंटू वी
क्योंकि वॉल्यूम तो दोनों का सेम ही होगा, यानी चाहे जिस, आपको मैंने बताया था कि जिस कंटेनर में आप रखोगे तो यानी कि वॉल्यूम क्या हो जाएगा। सर डेल्टा एनजी क्या होता है? कहाँ से आप डायरेक्ट पूछ रहे हैं डेल्टा एनजी, कुछ बताना चाहेंगे कहाँ डेल्टा एनजी? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट सर होता है। ये कहाँ पे, वो कहाँ से बात कर रहे हैं आप बताएंगे थोड़ा तभी तो। वो केपी एंड केसी में रिलेशन सर नहीं है पीवी, वो कुछ और पूछ रहा है सर इसमें सर। थर्मोडायनामिक्स हम में केपी एंड अरे केसी यार या केसी का रिलेशन। वहां से पूछ रहे हो मेरे को, यहाँ पे अभी जो टॉपिक चल रहा है बेटा वो 15 मिनट पहले आके पूछ लिया करो जो भी है। अभी यहाँ पे मेरे को सर लगा कि इसमें भी होता है सर, जैसे हाँ पीवी इज इक्वल टू डेल्टा एन जी आर टी। अच्छा डेल्टा एन जी आर टी, यहां से क्या हो जाता है डेल्टा एन जी क्या होता है यहाँ पे? यस सर, किस मतलब उस लॉ का नाम बताओगे तभी तो। सर इनथैलपी में होता है ये। आप इधर की बात उधर जोड़ोगे थोड़ा दिक्कत हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं, आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर देना, फिर उसको जो हम लोग देख लेंगे ठीक है। चलिए फिलहाल यहाँ पे जो है आप मेरे को मैसेज कर दो, देख लेता हूँ क्या चीज आप कहना चाह रहे हो। पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे कर देना। चलिए अब यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, प्रेशर ऑफ ए इक्वल टू वी, यानी कि क्या हो जाएगा आपके सामने कि आपके पास क्या हो जाएगा कि मोल ऑफ ए बाय आर टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन टू मान लेता हूँ। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करके जो है यहां से लिख देता हूँ, पी बी वी इक्वल टू एन बी आर टी इक्वल टू इक्वेशन थर्ड मान लेता हूँ ठीक है। मेरे ख्याल से यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत ही आसान चीज मैंने लिखा। अब मैं इसको चाहूँ तो इसको जो है ऐड कर देता हूँ, इक्वेशन वन को इक्वेशन टू से मैं क्या कर देता हूँ ऐड कर देता हूँ। अब यानी कि आपके पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन एडिंग इक्वेशन, एडिंग इक्वेशन, एडिंग इक्वेशन टू एंड थ्री, यानी कि हमने क्या कर दिया टू एंड थ्री को ऐड कर दिया। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, आपके पास इक्वेशन ए जो है सेकंड क्या है, पी ए वी इक्वल टू क्या हो जाएगा एन ए आर टी, और दूसरा इक्वेशन था पी बी वी इक्वल टू एन बी आर टी ठीक है। अब इसको ऐड कर देता हूं यानी कि मैं क्या लिख सकता हूं, पी ए वी प्लस पी बी वी, सॉरी यानी कि क्या लिख सकता हूं, पी बी वी इक्वल टू एन ए आर टी प्लस एन बी आर टी ओके। अब यहां से वी कॉमन ले लो तो यानी कि क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा यानी कि वी। अब यहां से क्या लिख सकते हो, एन ए प्लस एन बी आर टी को हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया तो यानी कि क्या हो जाएगा आर टी ठीक है। अब देखो इक्वेशन वन में आप लोगों को मैंने क्या कहा था, पी टी वी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी इंटू आर टी, यही तो कहा था, यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या यस कर सकते हैं, यानी कि यहां से लिख सकते हैं। अब जैसे ही हमने क्या करा, अब यहां से इसको लिखा तो यानी कि मैं क्या लिख सकता हूँ, यानी कि इसकी जगह पे एन ए प्लस एन ए की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, पी टी भी लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ कि नहीं, पी ए सर, पी बी इंटू वी इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ पी टी भी, और ये वी से वी क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि पी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा पी ए प्लस टीवी ठीक है। यस यानी सर, कि जो ए पी है, आप लोग थोड़ा सा सही से लिख, मैं लिख देता हूँ, कई बच्चे कहेंगे क्या लिख दे हैं, पी बी ठीक है ओके। यानी कि इस प्रकार से अब डाल्टन प्रेशर लॉ कहता भी कुछ है नहीं लॉ में जान, इससे जो है कई बार जो है कभी क्वेश्चन जनरली आता भी नहीं है डाल्टन लॉ। डाल्टन लॉ का जो एक नियम मैं बताने जा रहा हूं वो है यानी कि मोल फ्रैक्शन, पार्शियल प्रेशर, डाल्टन पार्शियल प्रेशर इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन, ये इंपॉर्टेंट है आपको इसको याद रखना है। क्या है, यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूं, डाल्टन्स डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर, आप चाहो तो एनसीईआरटी बुक में देख सकते हो, पार्शियल प्रेशर इन टर्म्स ऑफ, वहां पे तीन लेके लिखे हैं इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन।
आप लोगों को याद है मोल फ्रैक्शन कहाँ पढ़े थे कि भूल चुके हैं? सर फर्स्ट लेसन में। वेरी गुड, यानी कि वहां पे मोल फ्रैक्शन जो हमने क्या करा था, आपको बताया था, आप लोगों को शायद याद है, तो वेरी गुड। क्या बताया था, कोई मुझे बताना चाहेंगे? x is equal to n1 upon n total। गुड बेटा, यानी कि हमने कहा था जिस गैस का जो है यानी कि मोल फ्रैक्शन लिखना है, उस गैस के मोल फ्रैक्शन को ऊपर लिखो, नीचे में क्या कर दो, टोटल मोल से डिवाइड कर दो। यही चीज हम लोग भी करेंगे। आपको भी जस्ट मैंने थोड़ा देर पहले भी बताया था, पीटीवी इक्वल टू आपके पास क्या है, पीटीवी इक्वल टू आपके पास है Na प्लस Nb इंटू RT। जस्ट अभी थोड़ा देर पहले हमने लिखा है, वही से मैं यूज कर रहा हूँ। Yes, sir. यानी कि क्या निकल रहा, PAV इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, Na प्लस RT। ठीक है, इसको इक्वेशन में क्या मान लेता हूँ, 1 मान लेता हूँ। इसको जो इक्वेशन क्या मान लेता हूँ, यानी कि 2 मान लेता हूँ। ठीक है, मैंने इसको इक्वेशन क्या मान लिया, 1 मान लिया। इसको इक्वेशन क्या मान लिया, यानी कि 2 मान लिया। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देते हैं 1 से। इक्वेशन 2 को हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया 1 से। अब यहां से आप क्या लिख सकते हो कि 2 को डिवाइड कर रहे हो, तो यानी कि PAV डिवाइडेड बाय PTV इक्वल टू, यानी कि यहां से क्या लिख सकते हैं, Na RT डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, Na प्लस Nb इंटू RT। ठीक है, यहां तक मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ये RT से RT कट जाएगा, V से ये V कट जाएगा, तो मैं यहीं पे लिख देता हूं थोड़ा बगल करके आप लोगों के लिए। अब यहां से मैं जो है कलर चेंज कर देता हूं, क्या लिख सकता हूं, PA प्लस PT इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी कि हाँ Na प्लस Na, अरे क्या हो गया, N कर गया क्या, वन मिनट, ओके, Na प्लस Nb। ठीक है, यानी कि लिख सकते हैं, और आपको पता है इसकी जगह पे जो चीज रहेगा, तो यानी कि क्या कर सकते हो, यानी कि मोल फ्रैक्शन लिख सकते हो, तो PA डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, PT इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ A, जिसका निकालना रहता है तो उसी का हमने मोल फ्रैक्शन लिख दिया। अब यानी कि आप क्या लिख सकते हो कि PA इक्वल टू PT इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ, ये जो याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि किसी भी गैस का आपको पार्शियल प्रेशर निकालना हो, आपको क्या दिया रहे, टोटल प्रेशर दिया रहे, मोल फ्रैक्शन दिया रहे, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। ठीक है, ये बड़ा अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, पिछले 2022 में ही जेईई मेंस में क्वेश्चन आया था, तो आप इसको याद रखना। एक्चुअली इस यूनिट के आपने अगर जो सारे फॉर्मूले अगर जो रिवाइज करते रहोगे, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुनना कि इस यूनिट में ना कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा जो कि अननोन टाइप का, ये बहुत ही आसान सा यूनिट होता है। इसके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, लगभग लगभग घिसते पिसते होते हैं, लेकिन इसमें दिक्कत क्या आ जाती है, फॉर्मूला कौन सा कब लगाए, क्योंकि इसके अंदर जो फॉर्मूले बहुत ज्यादा हो जाते हैं। जब फॉर्मूले ज्यादा हो जाते हैं, तो आपको मैं एक सजेशन दूंगा कि आप क्या करना कि फॉर्मूले को सारे को एक जगह पे लिख लेना, और जैसे लिख लोगे फिर उसके बाद जो यानी कि क्या कर लेना, आप इसको जो है सबको देख लेना। ठीक है, यानी कि आप इसको जो है यानी कि क्या कर सकते हो, इस प्रकार से निकाल सकते हो। मैं एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन देता हूं आप लोगों के लिए, मैं चाहूंगा कि आप लोग जरूर इसको ट्राई करना। मेरे पास मान लो ये कोई कंटेनर है, ठीक है, मेरे पास क्या है, ये एक कोई कंटेनर है, इसके अंदर मैंने दो गैस, कौन कौन सी गैस भरी है देख लीजिए आप लोग, आपके सामने ये गैस है, ठीक है, मैंने यहां पे ले लिया O2 और इसका मास क्या दे दिया, यानी कि मैं दे देता हूं 32 ग्राम, और मैंने ले लिया हीलियम, हीलियम का मास दे देता हूं मैं कितना, 8 ग्राम, ठीक है, ग्राम में है। अब इसका टेम्परेचर मैं दे देता हूं 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और मैं वॉल्यूम दे देता हूं आप लोगों के लिए 2 लीटर। अब आपसे कहता है फाइंड द पार्शियल प्रेशर, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से बनाइएगा, पार्शियल, फाइंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ
फाइंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ, मैं यहां पे दे देता हूं ओ टू गैस, ठीक है। आपको क्या करना है कि यानी कि जो है पार्शियल प्रेशर निकालना है किस गैस का, ओ टू गैस का। अब आप लोग कैसे बनाएंगे ये चीजें ध्यान से सुना, मैं आपको 1 मिनट समय देता हूं, आप एक बार सोचो, बनाओ मत, आप सोचो कि कैसे निकाल सकते हैं। जैसे मेरे मन में आया होगा कि मोल निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे, मोल फ्रैक्शन के बाद क्या करेंगे। आप लोगों को मैं चाहता हूं कि आप लोग एक बार, अगर जब बनाना है फटाफट से, जो है आप लोगों को मैं 1 मिनट का समय दे दे रहा हूँ, आप लोग जो फटाफट से ट्राई कीजिएगा ताकि कि मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकूँ, ठीक है। तो आप लोग जो है यानी कि एक बार थोड़ा सा ट्राई कीजिए ताकि कि आप लोगों को पता लग सके, ठीक है। तो चलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है यानी कि ट्राई कीजिए। चलिए मेरे ख्याल से हो गया होगा, ट्राई कर लिए। चलिए मैं बनाता हूं आप लोगों के लिए। हाँ चलिए, यहां ध्यान दीजिए, आप लोग जो है बना लिए होंगे, मेरे को बताते चले जाना, जहां तक बनाए हैं वहां तक जो है आप लोग बताइएगा प्लीज, फिर उसके बाद जो है हम लोग आगे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए आपके पास क्या दिया हुआ है, यानी कि ओ टू दिया हुआ, तो क्या मैं मोल निकाल सकता हूँ, मोल ऑफ ऑक्सीजन, बताइए मोल ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, कोई बताना चाहेंगे। 1। ओके ठीक है, तो यानी कि 32, यानी कि गिवन मास 32 है, और ये कितना हो जाएगा 32, वेरी गुड। वंस आपने शायद मोल फ्रैक्शन निकाल लिया 4/5, वेरी गुड। यहाँ से आपने क्या निकाल लिया, यानी कि जो है मोल निकाल लिया। आप लोग ऐसा मत सोचिएगा कि सर हम बता देंगे तो सर सीख जाएंगे, ठीक है, आप लोग प्लीज बता दीजिएगा, अगर जो सिखाई देंगे तो बढ़िया ही रहेगा ना। यानी कि मोल ऑफ हीलियम कितना हो जाएगा, आप लोग फटाफट से बताइए कितना होगा, गिवन मास कितना है, 8 ग्राम, चाहो तो ग्राम से, हाँ ग्राम से ग्राम कैंसिल करा देना, यानी कि 8 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना हो जाता है, 4 ग्राम, यानी कि आ टू जाएगा 3 मोल, मोल सॉरी 2 मोल आ जाएगा, ठीक है। हाँ यानी कि कितना आ गया, 2 मोल आ गया। एन की वैल्यू कितनी आ गई, यानी कि जो है 2 आ गए। चलिए एन की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 2 आ गई। अब आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है किसका, क्योंकि आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 का निकालना है, तो मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका निकालूंगा, O2 का। आपको पता है मोल फ्रैक्शन इक्वल टू क्या हो जाता है, यानी कि जिसका निकालना है उसका मास नीचे में कितना आ जाएगा, टोटल मास, टोटल मोल। मैं लिख भी देता हूँ, कई बच्चे कहेंगे सर कैसे कर दिया, तो आप लोगों को पता है मैंने मोल फ्रैक्शन में बताया था। देखो जिनको नहीं समझ में आए तुरंत पूछ लेना है, ऐसा शर्माना नहीं है कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो यानी कि आपको, क्योंकि आपकी समस्या है आपको सॉल्व करना है, ठीक है, तो इसीलिए किन्हीं को भी मैं कहूंगा सिंगल भी अगर जो मन में कभी डाउट हो तो बिल्कुल पूछना है, बेधड़क पूछना है, बेझक पूछना है, ये आपका अधिकार है, अपने अधिकार का यूज करना है, ठीक है। चलिए अब यानी कि मेरा काम है पूछना, मैं चाहूँ आप पूछोगे तो जरूर बताऊंगा, लेकिन आपके मन की बात मैं नहीं जान सकता कि आपको समझ में आया या नहीं आया, और क्लास में रहते तो कई बार हाव भाव से भी देख सकते, बता सकते हैं कि हाँ इस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इसका मुंह जो है डूबा डूबा है, ठीक है। अगर जो सूरज जैसे डूबा रहता है तो बेचारा जो है मध्यम मध्यम सा जो है कुछ नहीं बोलता है, तब पूछते हैं तो बता देता है, फिर हम जो है उसको बता सकते थे, लेकिन अब हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो जिस कारण से आप लोगों को खुद ही बताना होगा, अपनी समस्या का इजहार करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए यानी कि एक्स, यानी कि आपके पास मोल फ्रैक्शन निकल गया, यानी कि मोल फ्रैक्शन कितना हो गया, 1/3। 1.3 ओके वेरी गुड नीलम, अब यहां तक तो आपको किसी को कोई दिक्कत नहीं आया होगा। अब दिक्कत आपके पास जो फॉर्मूला है, आपको मैंने फॉर्मूला यानी कि PO2 इक्वल टू जो बताया था PT, और यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ O2। अब किसी तरह से PT निकल जाए तो यानी कि हमारा काम बन जाएगा, मैं नेक्स्ट पेज का यूज कर रहा हूँ, और यहां से जो हम लोग क्या करते हैं PT को निकालते हैं। आप लोग डेली PT करते हैं कि नहीं करते हैं, बताइए। ओके हैं। वेरी गुड, यस सर। करना भी चाहिए, हेल्दी माइंड के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। चलिए
अब देखो यानी कि पीटी भी, अब आपके पास पीटी निकालना है, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, मैं कलर चेंज कर, लीटर हाँ वेरी गुड थैंक यू, यानी कि वॉल्यूम जो है यानी कि कितना दिया हुआ है, 2 लीटर दिया हुआ है, तो ये पीटी में लिख दिया। अरे क्यों टेढ़ा हो जा रहा है भाई, पीटी इक्वल टू क्या हो गया 2 लीटर, और एनए कितना है 1 प्लस 2, और आर की वैल्यू कितनी ले लेनी है 0.08218 एटीएम लीटर, और T 27 डिग्री सेल्सियस है तो यानी कि 300 केल्विन ले लेना। यानी कि मैं यहां से क्या लिख सकता हूँ, 3/2 × मैं इसको सिंप्लीफिकेशन करने के लिए 0.8 ले लेता हूँ, आप लोगों की भी इच्छा होगी सर, यानी कि इस प्रकार से क्या कर सकते हो, यानी कि ले सकते हो ठीक है। Na+Nb यानी कि कितना हो गया, इतना हो गया। अब PT इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां से कटा देंगे तो यानी कि कितना हो जाएगा 0.04, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यानी कि कितना हो जाएगा 12 0.12 × 300, और यहां से मल्टीप्लीकेशन करोगे तो यानी कि कितना हो जाएगा 12 3 36, यानी कि 36 ATM आ गया ठीक है। अब यानी कि टोटल प्रेशर आपके पास कितना निकल गया, 32। आपको प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन निकालना है तो यानी कि 36, और मोल फ्रैक्शन आपने कितना निकाला जस्ट अभी देख सकते हैं, तो यानी कि 1/3 निकाला, तो यानी कि ठीक हाँ 1/3 डाल देंगे, और तो यानी कि कितना आ जाएगा 1 और 2, यानी कि कितना एटीएम आ जाएगा, ट्वेल्व है ठीक है, वेरी गुड वंस। यानी कि इस प्रकार से जब भी आपके पास आएगा तो यानी कि क्या कर सकते हो, यानी कि इसका यूज कर सकते हो। एक छोटी सी और टॉपिक बच गई है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्राहम डिफ्यूजन लॉ, क्या कहते हैं, ग्राहम्स डिफ्यूजन लॉ ठीक है, यानी कि क्या कहेंगे, ग्राहम डिफ्यूजन लॉ। आप लोगों ने नाम सुना है डिफ्यूजन का, अरे बोलिए। हाँ यस सर, यस सर, यस सर, हाँ आप लोगों ने जरूर सुना यस होगा, सर, वेरी गुड अक्षय। यानी कि आपके पास डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, कि जब क्या होता है कि आपने क्या करा कि कोई भी चीज को मतलब उसके अंदर अच्छे तरीके से घुल मिल जाने को ही क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। जैसे देखना किसी दोस्त के साथ आप अच्छे से घुल मिल गए तो यानी कि आप क्या हो गए, डिफ्यूज हो गए। लेकिन ये चीजें जब गैस में होती है तो हम लोग उसको नाम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं ठीक है। ओके अब देखो मैं आप लोगों को एग्जाम्पल देता हूँ डिफ्यूजन का ठीक है, आप लोग भाग मत जाना खाना खाने के लिए। मान लो किसी पार्टी चल रही है, पार्टी में जो है जो हलवाई होता है उसने बहुत अच्छा खाना बनाया, अब जब बहुत अच्छा खाना बनाया तो यानी कि दूर दूर तक जाएगा इसमें, जाता है कि नहीं जाता है। हाँ यस सर, अब जैसे कि क्या लिखे हैं, ग्राहम्स लॉ है, GRAHMS है, वो दोनों मर्ज हो गया है। ओके वो डी नहीं है, GR ग्राहम्स है वो ठीक है। चलिए यानी कि आपके पास क्या है, यानी कि मैंने क्या कहा कि मान लो क्या होता है, यानी कि जो है दूर दूर तक यानी कि क्या हो जाता है, यानी कि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे, जाएंगे। अब अगर जो दूर दूर तक जाएंगे तो यानी कि आपको पता लग जाएगा कि हाँ इसके अंदर जो है यानी कि क्या है, कि यहाँ पे जो है यानी कि क्या हो जाएगा कि हाँ भाई पार्टी चल रही है, या फिर आप अपने घर में कोई चीज बनाते हो तो यानी कि देखना जिस समय बनाते हैं उस समय डिफ्यूजन रेट ज्यादा होता है। लेकिन वही खाना जैसे मान लो कि अभी आप लोगों के घर में खाना बन रहा होगा तो किसी को स्मेल आ रही होगी ठीक है, अब भाग मत जाना, कई बार मैंने पिछली बैच में बोला सर बोला हम तो खाने जा रहे हैं हमें पानी आ रहा है, तो ऐसा नहीं करना ठीक है। यानी कि क्या हो गया कि अब जो है यानी कि क्या हो जाएगा कि जैसे इसने क्या करा कि डिफ्यूजन रेट यानी कि जब क्या होता है, देखो भागने लगा, कुछ बच्चे लेफ्ट भी करने लगे ठीक है, तो आप लोग भागे मत बाकी लोग ठीक है, जो चले गए चले गए, आप लोग मत जाइए। तो यानी कि क्या हो जाता है कि जैसे ही डिफ्यूजन जो जब गर्म रहता है तो उस समय डिफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है, लेकिन वही खाना जो शाम में बनाए तो देखो दूर दूर तक दुनिया को बता रहा है कि आज मेरे घर में ये बना, लेकिन जब सुबह होता है तो उसके अंदर कोई स्मेल नहीं आती है, लोग सूंघते हैं कि यार खराब है या कि सही है, तो यानी कि कितना करीब लेके आ रहे हैं। लेकिन जब शाम में बनाते हैं तो यानी कि क्या हो जाता है, काफी दूर तक जो है आपको पता लग जाता है ठीक है। यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे कि यानी कि डिफ्यूजन है, तो मैं सबसे पहले जो है यानी कि डिफ्यूजन आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जनरली ये गैस में होता है, तो डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर हायर प्रेशर रीजन टू हायर प्रेशर
प्रेशर रीजन टू लोअर प्रेशर रीजन, इट इज नोन एज ग्राहम्स डिफ्यूजन लॉ. इसको सीधे सीधे कह देता हूं, इट इज नोन एज डिफ्यूजन. इट इज नोन एज डिफ्यूजन. अब देखो ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा डिफ्यूजन, ठीक है. अब यानी कि अब देखो बहुत हो गया खाना पीना, अब आप लोगों को कुछ और चीजें भी बताते हैं. जैसे आप लोगों ने फूल का स्मेल देखा होगा कि जब सुबह के समय होता है तो चमेली का फूल जो है काफी दूर दूर तक रोड के किनारे जो है यानी कि स्मेल करता है. चाहे और भी कोई फूल हो जो बहुत ज्यादा स्मेल करता हो मुझे नहीं पता, मुझे एक ही पता है तो मैंने आपको बता दिया. या फिर आप लोग जो सबसे ज्यादा जो डिफ्यूजन होता है ना वो किसके अंदर होता है, गैस के अंदर हो जाता है. सबसे ज्यादा किसके अंदर होता है, गैस के अंदर होता है. फिर किसके अंदर होता है, लिक्विड के अंदर होता है. फिर किसके अंदर होता है, सॉलिड के अंदर होता है. रेट, हाँ यानी कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा वो किसके अंदर होगा सबसे ज्यादा, ये जो है रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑर्डर है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑर्डर, ठीक है. यानी कि क्या है, डिफ्यूजन ऑर्डर है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑर्डर. अब यानी कि सबसे ज्यादा जो आपके मन में आएगा कि सर गैस के अंदर क्यों होती है, सॉलिड के अंदर डिफ्यूजन रेट क्यों नहीं होती है, मैं सिंपली बताऊं कि गैस के अंदर जो पार्टिकल्स होंगे ना वो काफी ज्यादा एनर्जेटिक होंगे. अगर जो एनर्जेटिक होंगे तो जिस कारण से उसका मोमेंट क्या होगा, ज्यादा होगा. इसीलिए जब आप खाना बनाते हैं शाम के समय तो उसकी स्मेल जो है यानी कि क्या होती है, बहुत दूर दूर लग जाती है. लेकिन वही खाना जब आप सुबह देखते हैं तो यानी कि आपको जो है पास जाके जो है स्मेल करके बताना पड़ता है कि वो सही है खराब है या जो भी चीजें हैं. यानी कि क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि उस समय उसके पार्टिकल की जो मूवमेंट थी बहुत ज्यादा थी, इसलिए इसका डिफ्यूजन जो है बहुत ज्यादा हो रहा था. इसीलिए हमने क्या करा कि गैस का जो डिफ्यूजन रेट होगा वो सबसे ज्यादा होगा, दूसरा जो है किसका होगा, लिक्विड का, तीसरा किसका हो जाएगा यानी कि सॉलिड का. इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, यानी कि डिफ्यूजन को निकाल सकते हो. जो डिफ्यूजन होता है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लाइट एलिमेंट का जो डिफ्यूजन ऑर्डर होता है वो ज्यादा होता है. लाइट पार्टिकल्स या लाइट पार्टिकल्स डिफ्यूजन रेट इज हाई. लाइट पार्टिकल्स डिफ्यूजन डिफ्यूजन रेट इज हाई, ठीक है. यानी कि आपके सामने क्या हो जाएगा कि जब डिफ्यूजन का जो होगा यानी कि लाइट पार्टिकल का उसका रेट जो है हाई होगा. अभी मैं निकालने भी सिखाऊंगा, आप चिंता मत कीजिएगा कि जो है कैसे निकालते हैं. लेकिन आपके पास अगर हैवी होगा यानी कि क्या हो जाएगा, हैवी पार्टिकल का डिफ्यूजन रेट क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, ठीक है. अब देखो आप लोगों को बताता हूं, अगर गैस का पार्टिकल यानी कि जो होगा हल्का होगा तो उसका डिफ्यूजन रेट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा. यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए, डिफ्यूजन रेट उसका ज्यादा होगा कि नहीं होगा. ओके अगर इसी कारण से आपका जो परफ्यूम होता है वो किस फॉर्म में दिया जाता है, गैस के फॉर्म में दिया जाता है. लिक्विड रहता है लेकिन काफी हाई प्रेशर पे कंप्रेस करते हैं, जैसे ही उसमें प्रेशर कम होता है तो किस फॉर्म में आ जाता है, गैस में आ जाता है. अगर जब मान लो कि डिफ्यूजन रेट सॉलिड का होता तो आपका परफ्यूम जो है गैस का नहीं होता, वो किसका होता, सॉलिड का होता. तब हम लोग जो चमड़ी पे रगड़ रगड़ के यानी कि जो है लगाते हैं, ठीक है. लेकिन अभी जो है यानी कि क्या है, परफ्यूम जो होता है वो फॉग, जैसे आप लोगों को कहते हैं इसमें एयर नहीं, एटमॉस्फेयर ड्यू टू टेक प्लेस स्ट्रेस. क्या कहना चाह रहे हैं नीलम, फिर से बताएंगे, ऐसे बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. आपको जो डाउट है एक बार पूछ लीजिए. सर डिफ्यूजन ऑफ लाइट पार्टिकल्स में किसमें, आपका क्वेश्चन अधूरा है, मुझे क्लियर क्लियरिफाई नहीं हो रहा है. चलिए शायद कुछ और पूछना चाह रहे हैं, अगर आप पूछना चाह रहे हैं तो फिर से पूछ सकते हैं. डिफ्यूजन लाइट पार्टिकल मतलब नहीं समझा, कुछ रहे कि एटमॉस्फेयर में जो डस्ट है वो डिफ्यूज है या नहीं है, यही कहना चाह रहे हैं. यस सर. ओके चलिए ठीक है. इनका कहने का मतलब है कि सर देखो डस्ट, आपने कहा कि जो है यानी कि सॉलिड पार्टिकल की जो है डिफ्यूजन रेट होती है कम, लेकिन एटमॉस्फेयर में जो होते हैं यानी कि क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं डस्ट के पार्टिकल. एक्चुअली बेटा वहां पे फिर भी बहुत कम होते हैं. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब गाड़ी चलती है कुछ चलते हैं
जिस कारण से उस पार्टिकल को एनर्जी मिल जाती है, डस्ट पार्टिकल को, ठीक है। और जब डस्ट पार्टिकल को एनर्जी मिल जाती है तो वो क्या हो जाता है, यानी कि जो एयर में आके मिक्स हो जाता है। लेकिन जैसे ही उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है तो वो वापस कहाँ आके बैठ जाता है, नीचे में बैठ जाता है। लेकिन गैस के पार्टिकल ऐसा कभी नहीं करते, ठीक है। चलिए, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अब रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होगा वो किसके प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है, 1/molar mass, यानी कि किसके हो जाता है, मोलर मास के। रेट ऑफ डिफ्यूजन किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है, मोलर मास के, ठीक है। अब याद रखना कि जिसका ये जो है, यानी कि जिसका मोलर मास जितना कम होगा रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना ज्यादा होगा। जैसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों के लिए, आपके सामने है, मुझे बताना कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव हाईएस्ट डिफ्यूजन रेट, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि बताओ कि किसके अंदर डिफ्यूजन रेट ज्यादा होगा, NH3, BO2, CN2, D सर अमोनिया में, ठीक है, अमोनिया NH3। कैसे आपने कहा बेटा NH3 होगा, बताना चाहेंगे। इसका सारा है सबसे कम, इसका सबसे कम क्या है, मोलर मास। ओके, वेरी गुड दिव्या, ठीक है, मोलर मास, थैंक यू, ओके, ठीक है। यानी कि इसका देखो मोलर मास क्या हो जाएगा, यानी कि मोलर मास कितना है 17, और इसका जो है कितना है 32, इसका कितना है 28, और इसका कितना है 44। आपको भी मैंने जस्ट कहा जो लाइट एलिमेंट होंगे उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अगर जो रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा तो यानी कि मास जिसका कम होगा, यानी कि क्या हो जाएगा आपका, ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, ठीक है। नो सर। हाँ, यानी कि अगर आपसे जैसे एक और क्वेश्चन पूछ देता हूँ, बहुत ही सिंपल सा है, फाइंड द डिफ्यूजन रेट रेशियो, या लिख देता हूँ कोई बात नहीं, फाइंड द रेशियो ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम, ठीक है। आपसे जो यानी कि पूछ दिया जाए इसका, तो आप बताइए क्या करोगे, क्या आंसर होगा, बताइए। वन आ जाएगा। चलिए, आपको फॉर्मूला क्या है, अच्छा मैंने फॉर्मूला आपको बताया नहीं ना, सॉरी। आपके सामने अगर जब दो गैस दिया रहे तो यानी कि R1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ M1, मेरे ख्याल से इससे कोई क्वेश्चन वाले वन मान लिया, और R2 क्या हो जाएगा, अंडर रूट M2 के बराबर हो जाएगा। ये क्वेश्चन क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है। अब मैं इस दोनों को ऐड कर देता हूँ, 1 और 2 को, तो यानी कि क्या हो जाए, डिवाइड कर देता हूँ, डिवाइडिंग 1/2, ठीक है। यानी कि हमने क्या कर दिया, इस प्रकार से इसको डिवाइड कर दिया। अब जैसे डिवाइड करोगे तो यानी कि क्या हो जाएगा, R1/R2 दोनों का कांस्टेंट कट जाएगा, तो यानी कि क्या हो जाएगा, ऊपर में क्या आ जाएगा, M2 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, अंडर रूट M1। यानी कि जब भी आपके पास दो चीजें दी रहे तो यानी कि इस प्रकार से क्या कर सकते हो, उनका जो है रेट निकाल सकते हो। तो जस्ट हम प्रीवियस क्वेश्चन में चलते हैं, आपको हाइड्रोजन और उसका जो है यानी कि रेशियो निकालना है। तो यानी कि आपको पता है R1/R2 इक्वल टू मोलर मास ऑफ यानी कि M1, आपको पहला क्या लिया गया है, यानी कि हाइड्रोजन लिया गया, तो यानी कि M1 कितना दिया हुआ है, 1। दूसरा आपके पास हीलियम है, हीलियम का मोलर मास कितना हो जाता है, 4, यानी कि R1/R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2, यानी कि इसका रेशियो क्या हो जाएगा, यानी कि इतना हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता है इस क्वेश्चन में कि डिफ्यूजन रेट किसका ज्यादा होगा, तो यानी कि हाइड्रोजन का क्या हो जाता है, यानी कि डिफ्यूजन रेट जो है यानी कि ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। अगर यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, ठीक है। अगर जो किन्हीं को कोई पॉइंट ना समझ में आया हो तो एक बार आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है, ओके। अगर जो किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। अब हम लोग बात करते हैं इफ्यूजन की। आप लोगों ने नाम सुना है इफ्यूजन का? नो सर। आप लोगों ने, ओके, आप लोगों ने जरूर सुना होगा। आप लोगों को क्या कहा जाता है कि जैसे टायर से जो एयर निकलता है ना उसको इफ्यूजन कहा जाता है। यस सर, हमें करना है।
हाँ आप लोगों ने जैसे कभी जो क्या होता है कि आप लोग जब ट्रक जब कहीं पे बुक में पढ़ोगे ना तो वहां पे आपको क्या लिखा मिलेगा, यानी कि इफ्यूजन मिलेगा। जब टायर से एयर निकालते हैं वहां पे डिफ्यूजन नहीं मिलता है। इसका मतलब क्या होता है सबसे पहले मैं समझाता हूँ, फिर उसके बाद जो है आगे बात करेंगे, ठीक है। इफ्यूजन, ये डिफ्यूजन का ही भाई है इफ्यूजन, ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। अभी हमने क्या बताया था कि डिफ्यूजन के अंदर जो होगा यानी कि क्या होगा, एक बड़े से पार्ट से जो है यानी कि क्या निकलेगा, जो भी चीजें निकलेंगी। लेकिन इफ्यूजन में क्या होता है कि अगर जो तीनी होल से डिफ्यूजन हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि इफ्यूजन कहते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये तीनी होल क्या है देख लो, जैसे मान लो कि आप लोगों ने देखा होगा डिओड्रेंट की बोतल, ठीक है, डिओड्रेंट की बोतल जानते हो, यस बोलिए। सर। हाँ ओके, अब देखो उसमें कई तरह के अलग अलग टाइप के फ्लेवर आते हैं, कई जो है रोज फ्लेवर आते हैं, चमेली फ्लेवर आते हैं, पता नहीं कैसे कैसे आते हैं, एक चॉकलेट फ्लेवर का भी आता है। आप लोगों ने नाम सुना है चॉकलेट फ्लेवर का, ठीक है। हाँ यानी कि मान लो कि जो है चॉकलेट फ्लेवर का यानी कि इसके अंदर जो है परफ्यूम भर दिया है। अब चॉकलेट फ्लेवर अभी खाने वाला चॉकलेट नहीं है, पता लगा कि आज मुंह के पास लेके गए थोड़ा सा खा लेते हैं, जैसे घर में कुछ नहीं होता तो चीनी खा लेते हैं, उसी तरह पता लगा आज कुछ नहीं है थोड़ा डिओड्रेंट को ही थोड़ा सा चख लेते हैं। ऐसा नहीं करने से बीमार पड़ जाओगे, ठीक है, वो अलग बात है। इसमें चॉकलेट फ्लेवर है लेकिन चॉकलेट की क्वांटिटी बहुत ही कम होती है, ठीक है। चलिए, तो यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, किसके अंदर जो है, जब ये छोटे से टीनी होल से यानी कि गैस निकलेगा ना, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि इफ्यूजन कहते हैं, ठीक है। डिफ्यूजन अकर्स फ्रॉम द टीनी होल इज नोन एज इफ्यूजन। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन अकर्स अकर्स फ्रॉम टीनी होल इज नोन एज इफ्यूजन। बहुत ही छोटी सी बात है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, यानी कि जो है इस प्रकार से आप क्या कह सकते हो, इसको जो है इफ्यूजन कह सकते हो, ओके। चलिए यहां तक क्लियर है, किसी को कोई बात ना समझ में आए तो बताना। अब यानी कि इफ्यूजन का मतलब क्या हो जाता है, जैसे देखना कि आप लोगों ने देखा होगा कि इफ्यूजन जितना छोटा सा होगा तो यानी कि इसका जो रेंज होगा जितना दूर से लगाओगे आप उतना अच्छा लगाओगे। और दूसरी बात, जब भी परफ्यूम को लगाना अच्छे से सेक करके लगाना, इससे क्या होगा कि आपके सामने क्या होगा कि जो लिक्विड वाले जो होंगे वो अच्छे से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। और जब वो गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे तो आपकी पूरी बॉडी पे जो स्प्रे लगेगा। आप लोगों ने देखा है आमिर खान को पीके मूवी में स्प्रे लगाने के लिए, अरे बोलिए। हाँ यस सर। वो सर कैसे लगाता है, ऐसे ऐसे कितने दूर से लगाता है, देखना वैसे ही लगाना आप लोग भी। इससे क्या होगा कि कम परफ्यूम में जो है ज्यादा स्मेल रहेगा, यानी कि जो डिफ्यूजन ज्यादा होगा वहां से, जो बेसिकली क्या कहेंगे इफ्यूजन होता है, जब परफ्यूम से निकलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि इफ्यूजन कहते हैं। सारी चीजें सेम ही है, यानी कि इसके अंदर कोई ऐसा चीज नहीं है। हाँ बिल्कुल सही बात है कि आपने देखा, सही बात किसने बताया, एक मिनट मैं देखूं, नीलम ने, ओके वेरी गुड, थैंक यू नीलम। एक्चुअली देखे होंगे कि इफ्यूजन का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। आप लोगों ने जो है शाम के समय बर्थडे मनाया, सपोज करो किसी का आज बर्थडे है, किसी का है इस क्लास में आज बर्थडे, ओके किसी का शायद नहीं तो आज, सर ओके कोई बात नहीं। तो सपोज करो, हाँ यानी कि सपोज करो कि किसी का बर्थडे है या कोई भी चीज फेस्टिवल मना रहे हैं। अब शाम के समय हम लोग क्या करते हैं, बैलून को फुला के रख देते हैं, जिसको आप लोग क्या कहते हो, बैलून कहते हो या फुग्गा जो भी कहते हो, यानी कि हम लोगों ने उसको क्या करा, यानी कि जो फुला के रख दिया। और जब वो फुला के देख रहे हैं, सुबह उठ के देखते हैं तो क्या हो जाता है, यानी कि थोड़ा सा उसका साइज जो है यानी कि कम हो जाता है, यानी कि उसके गैस कहाँ से चले गए, उसके अंदर छोटे छोटे होल होते हैं, उस छोटे छोटे होल से यानी कि क्या हो जाता है, गैस निकल जाता है। ओके निशांत, हैप्पी बर्थडे, ठीक है। तो यानी कि जो है आपका बर्थडे है, तो यानी कि आप जो है अब बैलून को जब फुलाएंगे तो सुबह देखेंगे तो यानी कि उसका जो बैलून है वो क्या हो जाएगा कि जो है काफी छोटा हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यानी कि इस प्रकार से यानी कि क्या हो जाएगा कि आपके सामने क्या होगा कि जब वो ये सारी चीजें होंगी तो यानी कि जो, हाँ चलिए आप लोग बाद में जो है लास्ट समय विश कर लीजिएगा, अभी थोड़ा सा जो हम लोग पढ़ लेते हैं। आप लोग दिल से दुआ कीजिए कि वो अच्छा करे अपनी लाइफ में, जो डिसीजन लेना चाहता है प्रॉपर ले और उस प्रकार से आगे बढ़े। चलिए, यानी कि आपके सामने यानी कि क्या हो गया,
आपके सामने जो है जैसे ये क्या हो गया, इफ्यूजन हो गया। तो यानी कि इस प्रकार से आपको याद रखना कि बैलून जो है इसका परफेक्ट एग्जाम्पल होता है, यानी कि वहां से क्या होता है, धीरे 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 एयर जो है निकल जाता है। ठीक है, बचपन में सोचते होगे कि यार ये एयर कहाँ चले गया, तो अब आप लोगों को पता लग गया एयर जो है होता है क्या होता है, छोटे छोटे होल से यानी कि क्या हो जाता है, निकल जाता है। और जैसे ही छोटे छोटे होल से निकल जाता है तो जिस कारण से ये जो प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है, इफ्यूजन कहलाता है। अगर जब किन्हीं को कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए, ठीक है, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम, अगर जब किन्हीं को कोई नो ओके चलिए, यानी कि जो है इस प्रकार से जो है यानी कि क्या हो जाता है, इफ्यूजन हो जाता है। चलिए आगे बढ़ जाए। अब हम लोग जो यस बेसिकली सर बात, आज हम लोग जो यानी कि केटीजी बात करते हैं। केटीजी का मतलब क्या होता है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। ये इम्पोर्टेंट है बेटा, याद रखना कि यहां से आपके सामने जो है क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है इस पार्ट से, खास करके भी जो स्पीड ऑफ मोस्ट प्रोबेबल एवरेज, इनके फॉर्मूले मैं याद करा दूंगा, आपको चिंता नहीं करना है। इसकी फॉर्मूले जो है क्लास में मैं याद करा दूंगा, मैं ट्रिक बता दूंगा, आपको जो है क्लास के अंदर ही याद हो जाएंगे आपको। बस अगर जब वहां पहुंच जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो कल की क्लास में हम लोग जो है इसको कंप्लीट कर लेंगे। चलिए अब देखो, यानी कि केटीजी क्या कहता है, मेरे ख्याल से ये हो गया था, ये सारी चीजें इस क्लास में हुआ था कि नहीं हुआ था, यस सर, हो गया था दिव्या? सर हो गया, सर ओके, हो गया था। बाकी बच्चे बताना चाहेंगे हुआ है या नहीं हुआ है। चलिए ठीक है, ओके मैं फटा देता हूं, ताकि कि आप लोगों को मैंने बताया था कि जो स्फेरिकल का साइज होता है वो स्फेरिकल सॉरी जो पार्टिकल का साइज होता है वो स्फेरिकल क्यों होता है। तो हमने तीन रीजन बताए थे, पहला बताया था सरफेस टेंशन, दूसरा हमने बताया था कि जो स्फेरिकल शेप होता है उसके अंदर जो ज्यादा से ज्यादा मास आ जाता है जिस कारण से वो स्फेरिकल में रहना चाहता है, तीसरा हमने बताया था जो इम्पोर्टेंट होता है यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लगता है वो मतलब जो है यूनिफॉर्मली लगता है, और जिस कारण से यूनिफॉर्मली लगता है तो जिस कारण से उसका साइज क्या हो जाता है, डिफरेंट सेम हो जाता है, स्फेरिकल हो जाता है, सॉरी सेम नहीं हो जाता है, स्फेरिकल हो जाता है। अब देखो, एक गैस कंसिस्ट ऑफ टीनी स्फेरिकल पार्टिकल्स, जो गैस होता है वो क्या होता है, टीनी स्फेरिकल पार्टिकल्स होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एटम्स कहते हैं या मॉलिक्यूल्स कहते हैं। वो कहता है विच आर आइडेंटिकल इन शेप एंड साइज, अगर वो आइडेंटिकल होगा, मैं कहूं कि अगर जो आइडेंटिकल होगा तो उसका शेप एंड साइज क्या होगा, सेम होगा कि नहीं होगा। अरे यार मैंने कहा हाँ बिल्कुल सेम, मैंने कहा कि दो गैस लिया हाइड्रोजन हाइड्रोजन यानी कि आइडेंटिकल है, अगर आइडेंटिकल है तो यानी कि क्या हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। जैसे जुड़वा भाई, हाँ जैसे जुड़वा भाई जुड़वा बहन होती है, यानी कि उनकी सारी की सारी प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम हो जाती है, आइडेंटिकल ट्विंस उसको कहते हैं। आइडेंटिकल ट्विंस का मतलब होता है आइडेंटिकल दो है, अगर आइडेंटिकल थ्री हो जाएंगे तो आइडेंटिकल ट्राइंड्स कह देंगे। ठीक है, बस ऐसा होता नहीं है, लेकिन सपोज करो कि ऐसा हो जाए तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, आइडेंटिकल ट्राइंड्स कह देंगे, अगर चार होता है तो क्वाड कह देंगे। ठीक है, खैर यहाँ पे दो है तो यानी कि क्या कहेंगे, इसका मास देखो वन होगा, इसका मास भी वन होगा, इसका कलरलेस होगा, इसका भी कलरलेस होगा, इसकी वैलेंसी वन होगी, इसकी वैलेंसी वन होगी। तो यानी कि कहता है कि अगर जो आइडेंटिकल इन आइडेंटिकल एलिमेंट होंगे तो उसकी सारी चीजें शेप साइज मास एंड जो भी चीजें हैं वो सारी की सारी प्रॉपर्टी क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। लेकिन अगर जो डिफरेंट होगा, जैसे डिफरेंट का मतलब क्या हो गया, मेरे पास हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है, अगर इसका मास अलग होगा, इसका मास अलग होगा, इसका कलर अलग होगा, इसका कलर अलग हो जाएगा, यानी किस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या कहता है, द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द पार्टिकल्स इज नेग्लिजिबल इन कंपेरिजन टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। इस पॉइंट को ध्यान से सुनना कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, कि मेरे पास मान लो कि ये है, मैंने इसके अंदर गैस रख दिया, ठीक है, मैंने इसके अंदर क्या रख दिया, गैस रख दिया, और जैसे ही इसके अंदर जो हमने गैस रखा यानी कि ये जो है इस प्रकार से हो गया, ठीक है, अब यहां से जो हमने क्या कर दिया यानी कि जो है गैस रख दिया, इसको ढक दिया, ठीक है, अब जैसे ढका तो यानी कि इसके अंदर जो भी गैस है, हमने मान लो कि जो गैस भरा कि जो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर हो जाएगा वही हो जाएगा, वही कहता है वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द पार्टिकल इज नेग्लिजिबल इन कंपेरिजन टू द टोटल वॉल्यूम। ये टोटल वॉल्यूम हो गया गैस का, टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस, टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक है। अब आपकी इच्छा हुई कि इसको जो है यानी कि क्या कर देंगे, यानी कि बहुत ज्यादा प्रेशर का अप्लाई करेंगे, आपने जो है बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई किया, कंडीशन अप्लाई किया, और इनको हमने क्या करा, एक छोटे से जो है यानी कि किसी चीज में बंद कर दिया,
मैं यहाँ पे बंद कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि इसको आपको साइज दिखाना है। सपोज करो कि मैंने जो है सारे गैस के पार्टिकल को इस छोटे से ही एरिया में क्या कर दिया, कवर कर दिया। अब मुझे बताओ ये जो गैस पार्टिकल का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के क्या हो जाएगा, काफी कम हो जाएगा। इसीलिए वो कहता है द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल इज नेग्लिजिबल, यानी कि पार्टिकल एक्चुअल में कितना कर रहा है, यानी कि बहुत कम कर रहा है इन कंपेरिजन टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस, यानी कि ये जो जहां पे रह रहा है उसके कंपेरिजन में क्या हो जाएगा, यानी कि काफी कम वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, गैसेस मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन रैंडम मोशन एंड कोलाइड विद ईच अदर एंड द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। अब यहाँ पे याद रखना कि जो गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो रैंडम मोशन करते हैं। रैंडम मोशन का मतलब होता है उसका फिक्स नहीं है। फिक्स नहीं का मतलब है कि जैसे मान लो कि मेरे पास ये कोई पार्टिकल है, मैं कहूं कि ये एक्स डायरेक्शन में जा, नहीं ऐसा नहीं कि एक्स डायरेक्शन में जाएगा। मैं कहूं नहीं भाई तू वाई डायरेक्शन में जा, तो नहीं। मैं कहूं कि नहीं तू जेड डायरेक्शन में जा, नहीं। ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। अगर जिसकी स्पीड यू है तो यानी कि क्या हो सकता है, ये रैंडम मोशन कर सकता है, किसी भी डायरेक्शन में कर सकता है। दूसरा बात याद रखना कि अगर ये क्या होता है कि किसी वाल से अगर जो टकराता है, यानी कि किसी से क्या होता है, वाल से अगर जो टकराता है तो यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पे, सपोज करो कि अगर जब वाल से टकराता है, जरूरी नहीं कि वाल से, हो सकता है यानी कि कंटेनर से भी टकरा सकता हो। ठीक है, अंदर में जो पार्टिकल, अब ये जो है यानी कि क्या होता है कि गैस का पार्टिकल यहाँ से टकराएगा। अब मुझे बताओ टकराने के बाद इसकी एनर्जी कम होगी, ज्यादा होगी या सेम रहेगी एनर्जी? ओके वंस, सेम रहेगी। ओके आदित्य, और कोई? हाँ बोलिए शाहिद। कोई बात, देखो कभी भी गलत से नहीं डरना चाहिए। ठीक है, आपके सामने जिंदगी में बढ़ने के लिए कहते हैं कि अगर कुछ भी करते हैं ना तो ऐसा नहीं कि हर बार हमेशा हम परफेक्ट हो जाते हैं। कई बार गिरते हैं, कई बार उठते हैं, और जो गिरने से डर जाएगा तो वो उठेगा नहीं। आप ये मत सोचना कि गलत हो जाएगा तो क्या होगा, अरे कोई नहीं, कौन देख रहा है, हम तो यहाँ पे 40 बच्चे हैं। हमें तो यानी कि कंपटीशन 15 लाख से जो है, यानी कि अक्षय कुमार बढ़ेगी। ओके, यानी कि इस प्रकार से, तो हमें तो यहाँ पे 50-60 बच्चे हैं और हम तो वैसे भी सीखने के लिए ही आए हैं। तो यानी कि जब सीखने के लिए आए तो हमें डरना किस चीज का? तो आप लोग कभी भी हेजिटेट नहीं हुई, बिल्कुल बेधड़क बोलना है। यानी कि इसका जो आंसर, यानी कि बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा, मे और मे नॉट बी? ओके ठीक है। अब यहाँ पे याद रखना कि अगर ये आइडियल कंडीशन है तो कहा जाता है जो गैस, वैसे भी रियल में भी इसके अंदर जो है एनर्जी ना तो बढ़ती है ना घटती है। अब इसका रीजन क्या है, ड्यू टू द इलास्टिक कोलिजन। अब देखो आपको फिजिक्स में वहां पे बताया जाएगा इलास्टिक कोलिजन। आप लोगों ने कोलिजन का नाम सुना है? ओके कोलिजन का मतलब हाँ टकराना। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाता है कि आपका जब इलास्टिक कोलिजन होता है तो फिजिक्स वाले सर कहेंगे उसके अंदर जो है काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम क्या होगा, यानी कि सेम रहेगा। लेकिन अब वो तो फिजिक्स के ठहरे, अब उनको तो पता है न्यूटन्स लॉ, कौन कौन से लॉ पता है। अब केमिस्ट्री वाले को तो उतना पता है नहीं कि जो है, तो हम लोग सिंपली क्या कहते हैं कि जब ये जो एनर्जी से जो टकराएगा ना, तो यानी कि क्या हो जाएगा कि जितनी एनर्जी है उतनी ही एनर्जी रह जाएगी। तो बोलता है ऐसा क्या रीजन है भाई, तो हम लोग कह देते हैं भाई इलास्टिक कोलिजन है। इलास्टिक कोलिजन का मतलब ये होता है कि टकराने से पहले एनर्जी जितनी है और टकराने के बाद भी एनर्जी उतनी ही हो जाएगी, उस कोलिजन को हम लोग क्या कहते हैं, इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। ठीक है, लेकिन फिजिक्स में क्या कहेगा, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम क्या होता है, सेम हो जाता है, जिस कारण से वो इलास्टिक कोलिजन हो जाता है। ठीक है, वही चीज अधिकार है ये गैस के, ऐसा नहीं कि जरूरी सिर्फ वाल से ही टकरा रहे हैं, गैस के अंदर गैस से भी टकराते हैं, वहां पे भी इलास्टिक कोलिजन होता। अगर ऐसा नहीं होता, अगर सपोज करो कि इलास्टिक कोलिजन नहीं होता तो क्या होता, यानी कि आपके सामने जो है यानी कि क्या हो जाती, बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती। कुछ समय बाद जैसे आप लोग अब जाओगे सोने के लिए, आप लोगों की शायद लास्ट क्लास होगी, उसके बाद खाना खाने के बाद सोने जाओगे, इसकी भी एनर्जी कम हो जाती, बोलता है मैं भी थक गया अब मैं भी आपके जो है सोने जाऊंगा, तो ये क्या हो जाता, आपके बगल में आके सो जाता। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये क्या करता है, हमेशा जो है काम पे लगा रहता है और ये जो है मूवमेंट करते रहता है, जिस कारण से इसकी जो है एनर्जी हमेशा क्या रहती है, मेंटेन रहती है। अगर जो इनकेस इसकी एनर्जी कम हो जाती तो ये क्या हो जाता, कुछ समय बाद जो है यानी कि बैठ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, मेरी सेकंड क्लास है, टाइम हो चुका है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी, किसी को कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।
और मैं ये क्लास को यहीं पे एंड करता हूँ, कल मिलेंगे फिर। गुड नाइट सर।